एयरपोर्ट के अंदर ही एक ट्रेन चला रखी है, आई थिंक दोनों एक्सट्रीम्स को कनेक्ट करती है शायद वो। लेकिन उस पर मेरा सवाल फिर एक और आता है कि किसी को बीच में उतरना हो तो वो कहाँ उतरेगा? एयरपोर्ट के अंदर ही स्टेशन होंगे क्या इसमें? ट्रेवल्स फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम द स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन इट कम्स बैक, सो इट्स फिक्स्ड। आई थॉट इट्स सर्कलिंग अराउंड। बड़े वाले बैग का वेट एक्चुअली 25 किलो से ऊपर जा रहा था, इसलिए मैंने इस स्वेटर को हैंड बैग में डाला था। बाहर यहाँ बहुत गर्मी है और अंदर इन्होंने इतना ठंडा एसी चला रखा है। ऐसा तो नहीं है कि झेला नहीं जा रहा था, पर मुझे लगा कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। पता लगा पहुँचते पहुँचते मुझे बुखार हो गया, तो मैंने सोचा इसे पहन ही लेते हैं। टी शर्ट के ऊपर स्वेटर लग अजीब सा रहा है, पर मैं बीमार नहीं होना चाहता। पता नहीं आवाज़ें सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं। मैं वीडियो एडिट कर रहा था तभी एक बच्चे की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पूरे एयरपोर्ट पे चिल्लाता फिर रहा है, हर जगह होता है, स्पेसिफिक टू इंडिया नहीं है ये। सोचा थोड़ा सा टहल के आता हूँ, एयरपोर्ट ही एक्सप्लोर कर लूँ। ये टेडी बियर मुझे बड़ा मस्त लगा, इतना मोटा सा बिठा रखा है बीच में। खजूर में भी चॉकलेट आ रही है भाई यहाँ पे। खैर डेट्स के लिए तो फेमस आई थिंक पूरा UAE ही। वो यहीं से लेके जाती थी, मतलब इधर से नहीं दोहा से ही लेके जाती थी, मुझे तभी पता लगा था। जो डेट्स मैं एक्चुअली खाता हूँ, मेरी जूल इधर सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू इंडिया। क्या क्या बना रखा है भाई खजूरों का। यहाँ खजूरों की इतनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं जो हमने सुनी ही नहीं होती हैं। वहाँ हम बस वही सुनते हैं रेडी से जो मिलते हैं खजूर, बस एक ही जैसे होते हैं वो खजूर। दारू इतनी बिकती है ड्यूटी फ्री में, जिसे देखो दारू खरीदता है, मुझे समझ में ही नहीं आती है एक्चुअली। मैंने कुछ भी नहीं पिया, मुझे पता ही नहीं है कौन सी क्या है ये। एक तो यहाँ पर इतने हिंदी बोलने वाले लोग हैं ना, ऐसा नहीं कि किसी भी इंडियन स्टेट का एक्सेंट, जैसे यहीं के लोग हिंदी बोल रहे हैं एक डिफरेंट एक्सेंट में। लगता ही नहीं है कि मैं इंग्लिश में बात करूं, मेरे मुंह से भी हिंदी निकल जाती है हर जगह पे। सेल्समैन था यहाँ पे कुछ तो बोल रहा था, हम लोग जैसा जो मिडिल क्लास रहता है ना वैसी ही बातें थी उसकी इंडिया जैसी। कुछ चीज़ें काफ़ी सस्ती थी, मुझे लगा था कि अगर GoPro सस्ता हुआ तो शायद मैं खरीद लूँगा, पर वो स्टॉक में नहीं था तो मेरा कार्ड स्वाइप होने से बच गया इधर। ये सब तो मुझे पता भी नहीं है क्या होता है कि Ray-Ban तो पता है खैर, हाँ कुछ ब्रांड्स पता हैं पर काफ़ी ब्रांड्स मुझे नहीं पता। खैर लड़कियों के ब्रांड्स भी हैं, मुझे खैर लड़कों के ही नहीं पता होते। ये तो शायद कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, विक्टोरियाज सीक्रेट। शावर्स एंड स्पा नहीं चाहिए, आज तक नहीं लिया मैंने। क्या करते हैं स्पा में पता नहीं, मैं ऐसे ही ठीक रहता हूँ। वेजिटेरियन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत, भर भर के नॉनवेज मिलता है इधर। शक्ल से दिख रहा है कि वो नॉनवेज है, ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं, और कुछ बहुत ही फैंसी चीज़ है। ओ भाई ये देखो, फिर बोलते हैं कि लड़के लड़कियों को फॉलो करते हैं। अभी देखो मैं जिधर भी जा रहा हूँ ये लड़की आ जाती है मेरे सामने। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ, फिर अचानक से वही सेम लड़की आ जाती है मेरे वीडियो में, फिर मैं देखता हूँ यार ये फिर आ गई। 300 रुपये से ऊपर की एक कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं नालायक, पानी बेच रहे हैं 500 ml 15 rial का, मतलब अराउंड 300 का पानी। लास्ट टाइम मैंने 400 का लिया था और वो 1 liter तो था कम से कम, इतना प्राइस बढ़ गया इनका। हर बर्गर में ना कुछ इन्होंने नॉन वेज डाला होगा कम इन्होंने। उधर वेज नॉन वेज ऐसे सेपरेशन होता है, यहाँ ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है बाय डिफॉल्ट। अरे अभी फिर से वही लड़की आ गई थी सामने, इतने चक्कर में इधर उधर काट चुका हूँ, फिर पता नहीं कहाँ से घूम फिर के वही आ जाती है। खैर बाय डिफॉल्ट वो नॉन वेज तो होगा ही, तुम्हारी किस्मत है, गलती से हो सकता है कोई वेज आइटम हो, वो भी इन्होंने ध्यान ना दिया हो, ये वेज रह गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है यार, ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े पे चल रहा है। एक और ड्यूटी फ्री आ गया, ये भी एक्सप्लोर करूंगा अब मैं, क्योंकि टाइम इतना है कि देखूंगा तो ज़रूर कहाँ क्या मिल रहा है। मिक्स्ड चॉकलेटों का डिब्बा, फिर वही दारू, खजूरों के आइटम। काजू तो तुम्हारे अच्छे नहीं हो सकते, काजू तो
इंडिया के ही अच्छे हैं। गोवा से लाए थे हम। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम आया तो तीन ऐसी बड़ी बड़ी लेके आया था, लाया किसी और के लिए था, हालत फिर ऐसी हुई कि तीनों एक ही बार में खा गया था मैं। 33 QR 600 रुपए की, अबे 90 की मिलती थी तब तो, अभी 100-150 की हो गई होगी ज्यादा से ज्यादा, 600 की बेच रहे हैं बताओ। एक्चुअली मैं बुक्स पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं रीडर अच्छा नहीं हूँ, इतना अट्रैक्ट नहीं होता हूँ बुक्स देख के, अनलेस मुझे डायरेक्टली बताओ कि हाँ मुझे ये बुक खरीदनी है। ये इनके पीने के पानी के टैप्स अगर होने वाले हैं तो बहुत अच्छा सोचा, और अगर रहे होंगे तो बहुत कमीने हैं। पानी ही मुझे लगता है इतनी महंगी चीज़ है ना यहाँ पे। होटल्स में भी रहते हैं तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ 500 ml मिलता था एक दिन का। एयरपोर्ट पे बहुत लोग रहते होंगे ऐसे जिनका लॉन्ग स्टे है, तो वो बैठे बैठे क्या करेंगे, अब वो टहलेंगे। मोस्टली लोग मुझे लगता है कि जो आते होंगे उनके लिए ज़्यादातर सामान जो मिल रहा है वो खरीद सकते हैं, इसको थोड़ा कॉस्टली होगा पर वो खरीद सकते हैं। एकदम छांटे हुए कस्टमर्स हैं, जितने आएंगे उसमें से 60-70% खरीद ही लेंगे कुछ ना कुछ। स्पेशली तुम अगर ऐसी चीज़ें रखोगे जो स्पेसिफिक हैं उस जगह की, फॉर एग्जांपल खजूर और खजूरों से बना हुआ सामान जो यहाँ काफ़ी मिलता है। ये नहीं सुना भाई मैंने, फेंडी अगर यही बोलते हैं इसको, प्रोनंसिएशन कुछ भी होती है भाई अंग्रेजी में। परेश रावल का वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा था, हिंदी में लिखते भी बिल्ली हैं, पढ़ते भी बिल्ली हैं और होती भी बिल्ली ही है। अंग्रेजी में लिखते कुछ हैं, कई बार वो कुछ और ही होता है, पता ही नहीं लगता है क्या है। रेंज रोवर एप्रिलिया मैक्लारेन, भाई साहब मैंने तो बस टीवी पे ही देखी है, और टीवी पे भी कभी डिस्कवरी पे या कहीं पर एक शो आया था जिसमें कंपटीशन किया था कुछ गाड़ियों का, उसमें मैक्लारेन जीती थी। ये तो ऐसी चीज़ है जो दुनिया के बहुत कम परसेंटेज लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे घंटा नहीं समझ में आएगा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, पर कुछ तो लिखा है। गाड़ी बेच रहे हैं क्या ये ड्यूटी फ्री? ये तो ऐसी चीज़ है मेरी पूछने की भी हिम्मत नहीं है। सो दीज आर पुट हियर फॉर सेल? इट्स फॉर लॉटरी सर, $180 वन टिकट। ओके, सो हैज एनीवन प्लेड? How much percentage did win? Sir, for $1 million, it's our 40th draw already. Lottery di bhai, $180 ki. Evergreen Organics. Organics pehle hi mehenga hota hai. Vegan chocolate likha hai. वीगन है तो कुछ ना कुछ वेजिटेरियन भी होगा ही। 600 रुपए का 150 ग्राम काजू मिल रहे हैं। अबे यार तुम भी हमारे वहाँ पे आओ। छत कितनी खतरनाक है, अभी ध्यान दिया मैंने, अलग ही लुक है। फाइनली कुछ वेज तो मिला, अब बस इसका टेस्ट सही हो। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज लेने का भी मन नहीं था मेरा। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने मैकडी पे बर्गर लिया था, सब कुछ वेज था उसमें, पर उसकी स्मेल बहुत ही गंदी थी। कुछ तो यूज़ किया था जिसकी वजह से वो स्मेल आती है, और मोस्टली खानों में मुझे वो स्मेल आ रही थी, मतलब एक अजीब सी स्मेल। तो मुझे पता नहीं फ्रेंच फ्राइज में वो कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये ठीक है, मीठा है, काफ़ी कैलोरीज हैं इसके अंदर, तो है तो अनहेल्दी। अभी मुझे एनर्जी चाहिए थोड़ी। तो बाहर जा पाता तो ईजी हो जाता मेरे लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लोर कर लिया था कि कहाँ पर वेज अच्छा मिलता है। अंदर तो बुरा हाल है, बहुत ही डिफिकल्ट है वेजिटेरियन बंदे के लिए अंदर कुछ अच्छा खाने को ढूंढना, बस किसी तरह से गुजारा ही होता है, और ऊपर से इतना महंगा। यहाँ पे ऐसा सेपरेशन तो होता ही नहीं है कि ये वेज है ये नॉन वेज है। ग्रीन में लिखा हुआ था कुछ, मुझे लगा अच्छा हो सकता है ये वेज हो, उसमें भी चिकन लिखा हुआ था। आइसक्रीम में दूध यूज़ किया है, कुछ डिफरेंट है, मुझे नहीं लगता वो गाय का है, पर बुरा नहीं है, हो सकता है बकरी का, ऊंट का, किसी का भी हो सकता है। लास्ट टाइम जो मैंने मैकडी पे बर्गर लिया था उसमें चीज़ बकरी के दूध का था।